दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास एटीएम कार्ड होती हैं। अकाउंट से पैसे निकालकर इस्तेमाल करने के लिए एटीएम से बेस्ट चीज कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं तो उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है प्रिंट स्लिप का। इस स्लिप में आपके ट्रांजेक्शन की डिटेल होती है, साथ ही अकाउंट के रिमेनिंग बैलेंस का भी जिक्र होता है। कई लोग इसे मात्र एक नज़र देख वहीं फेंक देते हैं। कुछ लोग जहां रसीद को फाड़ कर फेंकते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रसीद को यूं ही फेंक देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। मलेशिया पुलिस ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पिछले दिनों एक पोस्ट डाला। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि कभी भी एटीएम से निकली रसीद को बिना फाड़े ना फेंकें। एक आम इंसान के लिए तो इस रसीद से किसी तरह का फ्रॉड करना मुमकिन नहीं है, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स इस मौके की ताक में रहते हैं। इस रसीद की मदद से वो आपका खाता तक खाली कर सकते हैं। पुलिस ने लिखा कि रसीद में आपके अकाउंट का रिमेनिंग बैलेंस लिखा होता है। ये अमाउंट अपराधियों को आपकी तरफ आकर्षित कर सकता है। एक बार आपकी जानकारी उन तक पहुंच गई तो आपके खाते में सेंध लगाने की वो तैयारी शुरू कर देते हैं। इससे बचने के लिए अपनी रसीद को कभी भी पब्लिक प्लेस में ना फेंकें। इस पोस्ट को अभी तक लाखों लोगों ने शेयर किया है। तो दोस्तों, आप भी आगे से एटीएम का इस्तेमाल करने के बाद रसीद वहां फेंकने से पहले 100 बार सोच लें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।